हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें झटपट खाना को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट रेसिपीज आपसे मिस ना हो एंड इट्स टोटली फ्री। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है मुंबई स्टाइल चिकन बिरयानी। इस रेसिपी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका नाम काफी है इसके टेस्ट और रिचनेस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आज मैं आप लोग को परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप बिरयानी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए झटपट देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बिरयानी का सबसे पहला स्टेप होता है चिकन का मैरिनेशन। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चिकन, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन करके 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 कप के करीब दही, 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हम लोग स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तो जब तक कि चिकन मैरिनेट होता है, हम लोग बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो एक मिक्सी के जार में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 पुदीना। यहाँ पे मैं सूखा पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्राइड पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल है तो आप वही इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून के करीब जीरा और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसका एक फाइन पेस्ट हमें बनाना है। बिरयानी बनाने के पहले हमें कुछ चीजों की तैयारियां करनी होती है। यह है 2 घंटे तक मैरिनेट की हुई चिकन। यह 5 से 6 आलू, जिसे मैंने 2 पीस में कट करके डीप फ्राई कर लिया है, और यह है 6 बड़ी प्याज, जिसे मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ है। यह है हरा मसाला जो हमने तैयार किया था, 5 बड़े टमाटर फाइनली चॉप्ड, और खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने लिए है 2 बे लीव्स, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार एनीस यानी बिरयानी का फूल, 3 छोटी इलायची और 7 से 8 लौंग, और यह है 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पर मैं वही तेल इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने ऑनियंस को फ्राई किया था। बिरयानी बनाने के लिए हमें इस तरह से बड़े पतीली का इस्तेमाल करना है ताकि इसे स्टर करने में हमें आसानी हो। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सारे खड़े मसाले और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इनकी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, और इसे हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और इसे अच्छे से मिक्स करके हम लोग हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैरिनेटेड चिकन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो चिकन जो है वो बॉईल होना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून धनिया पाउडर
धनिया पाउडर आप लोग इसके मैरिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग इसे कवर करके चिकन को 50% तक पका लेंगे, जिसके लिए हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो जब तक ये चिकन पकती है, हम लोग चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़े से पतीले में मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे मैंने लिए कुछ खड़े मसाले, ये 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 1 स्टार अनीस, 3 तेज पत्ते, 7 से 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून शाह जीरा, जिसे ब्लैक जीरा भी बोला जाता है। इन सभी खड़े मसालों को हम लोग तेल में ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 लीटर के करीब पानी और पानी को हम लोग अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। चिकन को मैंने करीब करीब 15 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून लेमन जूस, फ्राइड आलू के पीसेस और इसे अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। चिकन में भी काफी सारा पानी है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। उसके लिए हम लोग इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में इसे स्टर करते रहेंगे। यहाँ पे पतीले को कवर नहीं करना है हमें, जो चावल का पानी है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। अब इस पानी को हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे यानी छान लेंगे। इन खड़े मसालों को अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाते वक्त ये मुंह में आते हैं और पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो अब इस पानी को मैं वापस से उसी पतीले में ऐड कर दूंगी और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी काफी सारा पानी। करीब 1/4 पतीले तक मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी की क्वांटिटी के लिए यहाँ पे हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग चावल सिर्फ 75% पकाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे यानी छान लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून नमक और हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर। विनेगर ऐड करने से चावल बहुत खिले खिले बन के तैयार होते हैं। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स। यहाँ पे मैं ड्राइड पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग के पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप वही इस्तेमाल करें। और अब इस पानी को हम लोग कवर करके बॉईल, तो चिकन जो है वो लगभग ड्राई हो गई है। इसे हम लोग एक बार अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चिकन है वो लगभग पक चुकी है। अब हमारा चिकन का मसाला रेडी हो गया है। हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे जो चावल का पानी है वो बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 केजी बासमती राइस या बिरयानी राइस। इस चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था और इसे ऐड करने से पहले जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने ड्रेन कर लिया है। 1 केजी चिकन के लिए हम लोग 1 केजी चावल का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। अब हम लोग इसे कवर करके 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो जब तक ये चावल पकता है, हम लोग एक प्लेट में ऐड कर देंगे 1 कप पहले से पका हुआ चावल और इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन का मसाला और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी के लेयरिंग करते वक्त सबसे बॉटम में हम लोग इसका लेयर लगाएंगे, ताकि जो बिरयानी है हमारी उसको दाग नहीं लगे, वो जले नहीं। और अब चिकन के मसाले में हम लोग ऐड कर देंगे फ्राइड अनियंस, तली हुई प्याज। आधी तली हुई प्याज मैंने अभी ऐड की है और आधी मैं इसके गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी। अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो चिकन है वो कितनी ड्राई हो गई है।
चावल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग इसे चेक कर लेंगे। तो चावल को आप लोग इस तरह से प्रेस करके देखिए, अगर वो आसानी से ब्रेक हो रहा है इसका मतलब है ये 75% तक पक चुका है। अब हम लोग इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है उसको छान लेंगे। देखिए चावल को मैंने छान लिया है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया है। तो अब हमारे चावल बिल्कुल तैयार है, हम लोग बिरयानी की लेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बड़ा सा पतीला और उसके बॉटम में मैंने ऐड किया है पहले से पके हुए चावल और मसाले का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। और अब इसके ऊपर हम लोग ऐड कर देंगे चिकन। और सबसे टॉप पे हम लोग ऐड करेंगे चावल। तो बिरयानी के लेयरिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। अगेन मैं यहाँ पे ड्राइड पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स लिए मैंने, जिसे मैंने दूध में भिगो के रख लिया है। 1 टीस्पून नटमेग पाउडर यानी जायफल पाउडर हमें लगेगा, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा रेड फूड कलर मैं इसमें, फूड कलर्स नेचुरल नहीं होते तो आप लोग इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चम्मच के बैक साइड से हम लोग बिरयानी में इस तरह से होल्स कर देंगे, पूरा नीचे तक हम लोग को ये होल करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी फूड कलर। इस तरह से होल्स के अंदर आप इसे ऐड करें। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे घी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जायफल का पाउडर। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना लीव्स। और लास्ट में हम लोग इसमें ऐड कर देंगे दूध में भिगा हुआ केसर। गैस पे गर्म होने के लिए मैंने रखा है एक थिक बॉटम वाला तवा, और बिरयानी के पतीले के ढक्कन को मैंने एक मोटे से कपड़े में रैप कर लिया है। अगर इस तरह से हम लोग बिरयानी को दम पे रखेंगे तो बिरयानी एकदम परफेक्ट बनती है और इसके जलने का भी कोई डर नहीं होता है। और इसके टॉप पे हम लोग एक वेट को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बिरयानी को दम पे रखेंगे, 5 मिनट हम लोग इसे हाई फ्लेम पे रहने देंगे और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हम लोग इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, अब हम लोग बिरयानी को चेक कर लेंगे। तो बिरयानी यहाँ पे बन के तैयार है। इसे हम लोग अभी स्टर नहीं करते हैं क्योंकि जो बिरयानी राइस है वो ब्रेक हो जाता है, इसे डायरेक्ट सर्व किया जाता है। तो लीजिए दोस्तों, मुंबई स्टाइल चिकन बिरयानी बनके तैयार है, एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनी है ये। इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और आई एम श्योर यू विल गेट लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। किसी भी तरह की पार्टी के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। वैसे तो बिरयानी को बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, पर वो वर्थ है जब बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी इस बिरयानी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल झटपट खाना को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।